सोनोटेक कैसेट्स। लग्या महाजी मरादा बंडी।
के बरी सभा में रखना मेरी लादे साए बोलो सच्चे दरबार की। लसन प्रेमियों भाई सबसे पहला गाया मेरे पीर महाराज का महा सो अपन कहनी है महामाई दी पेट। ओ महामाई जेड़ी गाण वाले नु गाण देवे सुनन वाले नु ज्ञान। सो एक पेट महामाई की कहन लग्या कि संगतां ने ध्यान देना, एक पेट महामाई की भी महामाई काली कालका वाली की, सो ध्यान देना महामाई की पेट के अंदर।
गया दर्शन तेरा 80 सेक्टर मौली मेरा, मैनू हो गया दर्शन तेरा 80 सेक्टर मौली मेरा, मैनू हो गया दर्शन तेरा 80 सेक्टर मौली मेरा, मैनू हो गया दर्शन तेरा 80 सेक्टर मौली मेरा। काला गुण गाता है तेरा, सारे बोलो सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मण प्रेमियों भाई, कथा पीर महाराज की अपने शुरू करनी है, तरमण माई वाछल की सेवा। पर कथा शुरू करने से पहला मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सहयोगी सजना का जिन्होंने कैसेट के अंदर बहुत बहुत सारा सहयोग दिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उस्ताद जी मास्टर बनारसी दास जी हरीमा जिले वाले, और शुक्रगुजार हूँ हमारे राणा साहब काला राणा जी मौली गद्दी वाले, और खुशी बाबा जी झंडी गद्दी वाले, मंगत चौधरी जी खरड़ बडाली वाले, और देव कुमार शर्मा जी सारंगपुर वाले, और हमारे बड़े वीर हरनाम सिंह जी संधु और दीपा खान ये तनास वाले, और परमजीत भगत जी ढींडसा गद्दी वाले, और हरजिंदर भगत जी मलोआ गद्दी वाले, और बाबा अवतार सिंह जी पटियाला गद्दी वाले। इन्होंने इस कसर के अंदर बहुत बहुत सारा सहयोग दिया। आप टोलक प्रसाद दे रहे हैं हमारे मास्टर जी भैया लाडी बिंजल वाले, और हमारे छोटे वीर सोनू कुमार ताजलपुर वाले, और इसके अंदर डोरू प्रसाद दिया हमारे भैया डोरू मास्टर भैया गुरदीप सिंह जी ताजलपुर। और इस कथा में शुरू करने जा रहे हैं जसविंदर सिंह एंड पार्टी कथा पीर महाराज की अमरवाणी, ये शुरू करने जा रहे हैं। सो ध्यान देना अमरवाणी कथा मेरे पीर महाराज की कहां से शुरू मनी है भी कौन औतर मन माई बाछल, जिस माई के पास कोई बच्चा नहीं था, जिस माई के पास कोई औलाद नहीं थी, उस बाछल माई ने औलाद की कारण संपत्ति की कारण बड़े जोगी सन्यासी बनाए हैं। पर तरमन माई बाछल वो कर्मा मारी बाछल से प्रेमियों चढ़ी महल के ऊपर देख रही है कि तमाम दुनिया के अंदर बच्चे खेलते फिर रहे हैं। जब बच्चे खेलते माई ने देखे हैं तो माई के मन में बच्चे बड़ा प्यार जाग गया, औलाद वाली ममता माई के मन में जागी है। रोंदी कड़ांदी बाछल माई महल में आगी है, पर रोने की आवाज किन्नू राजे जेवर ने सुनी है। राजा जेवर कह रानी आई किसने तन्नू मंदा बोलिया है, किसने दे दी तन्नू गाल, ओए सच बता रानी क्यों रो रो कर लिया बुरा हाल। बाछल माई कहन लगी है अज बच्चे बड़ा प्यार, अज औलाद वाली ममता मेरे मन में जागी है महाराज। ये देखो बाछल माई रो रो का वास्ते पा रही है, राजा जेवर मन का हाल किस तरह सुनहरी है भाई, क्या तो तेरे कहने की बात और क्या संता के सुनने के रे भाई। पर कहे सी कहसी हाला बोल
ਜੇਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਨੇ ਦੇ ਦੀ ਗਾਲ ਸੱਚ ਬਤਾ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਲਈਏ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮਾਈ ਬਾਛਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ जेवर माई ने कहा कि अज बच्चे बड़ा प्यार अज औलाद वाली ममता मेरे मन में जा गई है महाराज राजा जेवर कह रानी जौन सी चीज रब ने तेरी किस्मत में लिखी नहीं फिर रानी तो उसने क्यों याद कर कर रो रही है पर नहीं महाराज अज मेरा मन कर रहा है वो भगवान सच्चा रब सच्चा मेरी जरूर सुनेगा आहा क्योंकि सजन प्रेमियों जिनके मन में बच्चे बड़ा प्यार है जिनके मन में औलाद वाली ममता पर सजन प्रेमियों उनकी ममता कदे टिकती नहीं है औलाद के बिना किसे कवि ने लिखा है आए जीना मामा नू रब ने पुत दिते आए गोदी चुक के औलाद लडौण मामा ओ जीना मामा तो रब ने पुत खोले आए लोको रो रो वक्त लगौण मामा बेसन प्रेमी माई बाछल जरो जर रोन लगी है राजा जेवर कहा रानी क्या फायदा रोन दे मन्ने क्या नहीं करया नौ लख बाग लवाया है जब तेरी किस्मत में बच्चा ना पाया तो वाघ भी सिखाया पर बाछल माई कह रही है कि महाराज आज मेरा मन कह रहा आज मेरा दिल कह रहा महाराज भी जे तेरा हुक्म हो कहीं ते भला करा लिया कहीं ते लाज करवा लिया राजा जेवर कह रानी मनो कोई इतराज नहीं है जे कहीं ते तेरा मन टिकट कह ली भी सजन प्रेमियों देर नहीं करी है बाछल माई नू कहने की देर थी करने की कोई देर नहीं थी बाछल माई ने अपनी बांदी पास बुलाई है वांदी नू सत की बात बताई है ए वांदी बेटी आ जा मेरे पास ए वांदी सुन ले मेरी बात जल्दी से चलका जाइए अपने दादे पंडित प्रहुत नू बुला कर लीजिए इब देर नहीं करी है हुक्म की मारी वांदी दादे पंडित के बाहर चली गई है आवाज मारी है दादे पंडित नू पंडित ने खोलिया घर का वार वांदी ने करी है नमस्कार क्या बताया वांदी ने ए पंडित जी आपने वाछल माई ने रंगले महल में बुलाया आहा देखो अग्गा अग्गा वांदी आर पिछा दादा पंडित किस तरह रंगले महल में चल का आमा भाई क्या तो तेरे कहने की बात क्या संगता के सुनने की रे भाई पर कैसी कैसी रंगले महल में आया है बाछल माई ने रंगले महल में मुड़ा दिया बछा
ऊपर दादा पंडित दया बैठा, हाथ जोड़ का माई ने करी नमस्कार, मन के बताई विचार। पंडित जी जरा वैद बचारो, पुस्तक फोलो ज्योतिष लाओ, मेरी किस्मत के बारे में बताओ कि मेरे कर्म में आसलाद कोई बच्चा क्यों नहीं है। ओहो, दादे पंडित ने कहा ए बेटी तेरी किस्मत में सत जन्म औलाद नहीं है। आहा, माई वाछल जरो जरो रोल लगी है। पंडित जी ऐसा मैंने कौन सा जुल्म कर दिया है और ऐसा कौन सा मेरे पास से पाप हो गया जो उसी मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। आहा, क्या कहे पंडित जी जरा दोबारा ध्यान लाओ। पंडित जी ने फिर दोबारा ध्यान लाया, फिर भी यही बात बताई है कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। ओहो, पर बाछल माई कह रही है पंडित जी आपने कहा भी औलाद नहीं है, दो बारी पूछ लिया, पर मैंने यूं बता दो भी औलाद है क्यों नहीं। दादे पंडित ने बताया कि बेटी तेरी किस्मत में क्यों नहीं औलाद, कि तू पिछले जन्म के बीच एक मालिया की लड़की थी, जब तेरे पिताजी की रोटी लेकर तो बाग में गई है उस वक्त आज तेरा पिताजी लगे थे रोटी खान आर तो लगी थी पंछी उड़ान। ओ ये बेटी उस वक्त सत बच्चे चकबा चकबी के तेने मार दिए, उन पंछियों का तेरे पर श्राप पड़ गया था। आह, इतना बोल सुने बाछल माई जरो जरो रोन लगी है। पंडित जी कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मेरा औलाद हो जा, मैं इतनी बाबा जी पापण हो गई है, मैं इतनी जुलमन होगी बाबा जी, मेरे पास से बहुत बड़ा पाप होया है। एक धर्मन माई बाछल किस तरह रो रो का वास्ते पावा भी, क्या तेरे कहने की बात क्या संगता के सुनने की रे भाई। कहे सी 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 आए जारो झर वारो आ बाछल माई ने रो रो वास्ते पाई है कि पंडित जी मन कोई ऐसी जुगत बताओ जिससे मेरा औलाद हो जाओ, आज जिससे मेरे करे हुए पाप कट जाओ। ओहो, देर नहीं करिए, दादे पंडित ने क्या कहा, बाछल माई ने खेड़े महाराज की सेवा बताई दी है। बाछल माई ने खेड़े की सेवा शुरू कर दी है, खेड़ा माई ने प्रत्यक्ष कर लिया, क्योंकि ऐसी बंदगी ऐसी सच्चे मन से बंदगी माई ने लाई है। ओहो, खेड़ा जागया, आवाज मारी है माई बेटी ए वाछल तेरी सेवा दरगामा मंजूर हो गई है, इब तो मेरी सेवा करनी बंद कर दे। बाछल माई कहा खड़े राजा न्यू किस तरह बंद कर दूं, मैं तो संपत के कारण औलाद के कारण तेरी सेवा करूं। खड़े पीर नू कहन लगी है माई कि ये तो बच्चे का वरदान मेरे पल्ले में पै दे, फिर महाराज तेरी सेवा छोड़ दूंगी। खड़े पीर ने जवाब दे दिया कि बेटी मेरे पास बच्चे का वरदान नहीं है, तो फिर महाराज कोई रास्ता बताओ। बाछल माई ने रास्ता बताया, वर्मा की सेवा बताई दी है। माई वर्मा ने पूछने लगी है, वर्मा ने जवाब दिया विष्णु की सेवा बताई दी है, और वर्मा ने विष्णु ने दो ने शिवजी महाराज की सेवा बताई दी है। ये देखो स्वयं प्रेमियों, शिवजी महाराज की माई बंदगी लगी है करना, अपने महल में एक छोटे जे मंदिर शिवजी महाराज के नाम का माई ने बनवाया, शिवजी महाराज के नाम का चिराग लगाया,
देखो किस तरह माई शिव जी महाराज के मंदिर में बंदगी लावा और किस तरह भोले नाथ नु मनावा भी क्या तो तेरे कहने की बात क्या संगत के सुनने के रे भाई पर कहे से घर से वाचल माई शिवजी महाराज की वंदगी ऐसी लाई है नाद बज गया भोले नाथ का आए तूना तड़ गया माई पार्वती सोच रही है कि भोला नाथ तो बैठा ताड़ी लाई आर कोई शिव का भक्त बंदगी कर रहा है इसके नाम की कोई शिवजी महाराज नू याद कर रहा है क्योंकि माई पार्वती भी एक आद शक्ति माई थी। माई पार्वती कह रही है भोले नाथ नू किस तरह जगाऊ आर किस तरह इसनू बाछल माई के द्वारा बचाऊ। भाई माई पार्वती ने देर नहीं करी है सुचा जल ठाया शिवजी महाराज के चरणा पर पाया वो तुंदू का नाद बजाया भोले नाथ नू जगाया। जद भोले नाथ नू माई पार्वती ने जगाया भी है अखा खोलिया माई पार्वती ने कहा कि देवी भाई तैं मैनू क्यों जगाया स्वामी नाथ मैनू दुनियादारी के अंदर घुमा कर लियो आए मैनू दुनियादारी की सैर करा कर लियो। ये देखो शिवजी महाराज ने जवाब दे दिया जब जवाब दिया भोलेनाथ ने माई पार्वती कहने लगे चंगा फिर भोलेनाथ अज ते बाद तेरा रास्ता कोई होर हर मेरा कोई होर। भोलेनाथ सोच रहा कि प्यारे तुम तो बैठे रहा बारह बारह साल ताड़ी लाई जे पार्वती चलेगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्वती नु कहने लगा स्वामी नाथ भोलेनाथ कि पार्वती ले जूंगा जरूर पर मेरी एक शर्त है। वह कौन सी महाराज के अपना चोरी का होएगा आना आर चोरी का होएगा जाना। इन देखो अद्धी रात रहन का पैरा सोवा संसार जागे प्रबदगार एक शिवजी महाराज एक माई पार्वती एक दुनियादारी के अंदर किस तरह चलकर आमा भाई क्या तो तेरे कहने की बात आर क्या संता के सुनने की रे भाई पर कहे से कहे समोगे
भाई सजन प्रेमियों इब देर नहीं करी है, अद्धी रात रहन का पैरा शिवजी महाराज और माई पार्वती। आए तीन त्रिलोक चार खूंट का ध्यान लाया, जब गरदड़े खड़े में अद्धी रात के टाइम शिवजी महाराज ने पैर पाया है, ओए बादशल माई नींद आ रही है। नींद में सुपना, सुपने में माई क्या देख रही है, जनो छाती पर सोना जल लाल खेल रहा है। क्यों? शिवजी महाराज के पैर पाने ते माई औलाद वाले सुपने लेन लगी थी। जद माई ने देखा छाती पर सोना जल लाल खेल रहा, अद्धी रात के टाइम में बादशल माई अख खुल गई है। जब अख खुली है सुपना टूट गया है, माई सोच रही है भी जो सा बच्चा मेरी छाती पर खेल रहा था वो बच्चा गया तो गया कहां। माई रोन लगी बच्चे नु याद करका। इब रोने की आवाज किसनु? भाई माई पार्वती नु सुन गई है, क्योंकि दुखा की सार उन्होंने हुआ भाई जिन्होंने दुखा के बारे में पता हुआ। किसे कवि ने लिखा है, हाय तंदरुस्तानों की सार दुखा दी सजनों के दुख ता पूछ ले किसे बमार कोलो, कौफ कदर विछोड़िया दियो करदा ओ जड़ा विछड़ गया परिवार कोलो। माई पार्वती ने जिस टाइम दुख सुनिया भोलेनाथ नु कहन लगी है कि भोलेनाथ यो कौन देवी है, एक सोरिया सारा संसार है, एक तो जागरिया कला प्रबतगार भी ऐसी कौन देवी है जिस टाइम रोन लगी है। शिवजी महाराज कहन लगे पार्वती ये दुनिया दरंगी है, इस दुनिया में बंदा बंदा अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा कोई बिजू कोई मंत्रा, जो संसार सागर है। इस दुनिया में कोई है दुखी कोई है सुखी। पर माई पार्वती कहन लगी भोलेनाथ जौसी देवी यो रो रही है ना, भाई मैं इस देवी नु जरूर मिलकर जाऊंगी। ओहो शिवजी महाराज ने जवाब दे दिया कि पार्वती मैं तो जानता नहीं, मैं नहीं जानता है। माई पार्वती का फिर भोलेनाथ जे तो नहीं जानता तो मैं तो फिर जरूर जाऊंगी। इब देखो शिवजी महाराज कहा चंगा फिर चलेंगे जरूर। भाई रूप पलटाया सावधार साधनी का रूप बनाया, दिन चढ़ते नु बादशल माई के द्वारा नाद बजा दिया, अलख जगा दिया, अलख जगाया नाद बजाया। जिस टाइम नाद की आवाज महल में गई है सजन प्रेमियों, महल के बिच रोशनाइयां हो गई। माई बादशल की बांदी शिवजी महाराज नु भिक्षा पाण वास्ते आई है, पर जिस टाइम भिक्षा पाण वास्ते भी आई है शिवजी महाराज सोच रहा भी रात वाली देवी तो है नहीं, जो सिर हो रही है। उन्होंने पूछने लगा कि बेटी तू इस महल की रानी है या तो नौकरानी है? बाबा जी मैं तो नौकरानी है। फिर बेटी मैं तो रानी के हाथ की भिक्षा लूंगा। आह ये सजन प्रेमियों बादशल माई जिस टाइम बाबे के पास शिव महाराज के पास खैर लेकर आई है, शिवजी महाराज कह रहे बेटी तो बड़ी उदास नजर आ रही है। माई बादशल ने कहा कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है बाबा जी, मैं औलाद की दुखी हूं, इस करके बाबा जी मेरा मन उदास है। तो फिर किसी ने पूछ दी कोई इलाज करवा दी, माई बादशल कहा मैं सब नु पूछ लिया जी, मेरे पास बच्चा नहीं है, औलाद के मैं दुखी हाँ। एक औलाद वाले बोल औलाद ते दुखी कौन, एक तो माई बादशल हुई है, एक ऐसी औलाद की दुखी कौन थी माई रत्न हुई थी, जिसका जोगी गल इतना प्यार था कि जिसने पौना हरी छोड़कर चला गया, माई रत्न भी पिछे से बहुत रोई थी, स्त्री माई बादशल रो रही है। सो एक भजन में बाबे पौना हरी का कहन लग्या, एक बार जोरदार जयकारा बोलते बाबे पौना हरी का, जयकारा बाबे पौना हरी दा बोलो सच्चे दरबार की। जो जोगी करने करो जोगी बन के जुगत ना जानी, ओ जियो रे बच्चे जियो, ते तेरा पग मापे घर गौना क्या, जीनू गली गली दे टुकड़े मंगने अनु मिठाया लूना क्या, तैनू जोगी रखना ना आया रतनों, तैनू जोगी रखना
सिवा कैगी मेरा लागे। बड़ा ही तू जुन में कमाया रतनो, तेनू जोगी रखना